नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात बेबात में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शतरंज की बिसात पर कहा जाता है कि सबसे खतरनाक चाल घोड़े की होती है, और घोड़े की अढ़ाई घर की चाल को ना तो कोई रोक सकता है, ना कोई काट सकता है, और ना ही कोई उससे बच सकता है। माना अब यह जा रहा है कि शरद यादव की पार्टी के साथ विलय के संकेत देकर कुशवाहा ने बिहार की सियासत में ढाई घर की चाल चल दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हो सकता है, ये दोनों एक हो सकते हैं। दरअसल कुशवाहा की रणनीति पुराने नेता शरद यादव को साथ लेकर नीतीश कुमार को चुनौती देने की है। बिहार की सियासत में पक रही है नई खीर। शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा आएंगे साथ, दिल के बाद दल मिलने का दावा। आरएलएसपी में होगा एलजेडी का विलय। एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर 30 नवंबर का अल्टीमेटम देने वाले उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी आरएलएसपी क्या बिहार की सियासत में नए समीकरण रचने की कवायद कर रही है? क्या समाजवादी दिग्गज और कभी जेडीयू के अध्यक्ष रहे शरद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार को चुनौती देने का प्लान बन रहा है? एलजेडी के नेता अर्जुन राय इसकी भूमिका लिख रहे हैं, सियासी संकेत इसकी पुष्टि कर रहे हैं, और नेताओं के बयान से तो यही मतलब निकल रहा है। हम लोग की मीटिंग होगी पूरे बिहार के पैमाने पर सभी कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ, और उसमें अगर तय हो जाएगा कि हम लोग एनडीए में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से शरद यादव से बड़ा नेता आज के तारीख में देश में कोई बैकवर्ड दलित गरीबों का नहीं है। अब जहां तक सामाजिक न्याय के दो बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और शरद यादव जी की बात है, दोनों बहुत पुराने नेता हैं, और हम लोग के अभियान में कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और इसके बहुत राजनीतिक बड़े परिणाम कहीं ना कहीं देश की राजनीति पे पड़ने वाला है। आरएलएसपी नेताओं में शरद यादव के लिए स्नेह उमड़ रहा है, तो लोकतांत्रिक जनता दल के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो कोई राजनीति में हाशिए पे नहीं जाता है, वो अभी एनडीए में है, अब उसके बाबत हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन बिहार में उनका सफाया हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। वो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो वैचारिक दोस्ती कोई खराब दोस्ती है क्या? जब समय आएगा तो होगा या न होगा वो तो समय ना बताएगा। ये कैसे हम कहें कि हो जाएगा? हम तो उम्मीद करते हैं कि उनको एनडीए में जस्टिस मिलेगा। अभी इधर आरएलएसपी और एलजेडी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस पर बाकी दलों की भी नजर बनी हुई है। बीजेपी जल्द चीजें ठीक होने का दावा कर रही है, तो आरजेडी एनडीए में कुशवाहा के सम्मान का मुद्दा उठा रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले जो लोग हैं, जो बिहार का हित चाहते हैं, और जिन लोगों ने बिहार को धोखा देने का काम किया है, वहाँ उपेंद्र जी का क्या काम है? थोड़ा घर में जब आदमी चार भाई रहता है तो एक भाई खटपट करता है तो लगता है कि हम बंटवारा कर लेंगे, कहीं चले जाएंगे और महल बना लेंगे, फिर लोग उससे बात करते हैं और फिर सब एकत्रित होकर रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। राजनीति संभाव का खेल है, और इस खेल के कुशवाहा माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार में आरएलएसपी की कमजोर जमीन को एनडीए में उनकी अनदेखी की वजह माना जा रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस नए दाव ने एक बार फिर से विरोधियों को शह देने की शुरुआत कर दी है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो आपने पूरी खबर देखी, नेताओं के बयान सुने, अब हम चर्चा करेंगे इसी मसले पर कि आखिर क्या होने जा रहा है आरएलएसपी और आरएलडी का। जी हाँ, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं करके। नवल किशोर यादव हैं, एमएलसी बीजेपी के। नवल जी आपका स्वागत। संतोष कुशवाहा हैं, प्रवक्ता एलजेडी के। स्वागत संतोष कुशवाहा जी आपका भी। राजेश राठौर हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेश जी आपका भी स्वागत। शक्ति यादव हैं, विधायक आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्वागत शक्ति जी आपका। और माधव आनंद, प्रवक्ता और महासचिव आरएलएसपी के, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल माधव आनंद जी आप ही से है, और वो ये कि शरद यादव से उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पिछले दिनों मुलाकात हुई थी तो कयास बहुत लग रहे थे, अब धीरे धीरे चीजें साफ हो रही कि हाँ लग रहा है कि जो खीर बनाने का फॉर्मूला है वो तैयार हो गया है।
देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो मुलाकात हुई थी शरद यादव जी के साथ, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, और निश्चित रूप से उन सारे बिंदुओं पे, तमाम बिंदुओं पे चर्चा उन लोगों की हुई होगी। और ये दोनों सामाजिक न्याय के दो बड़े नेता हैं पूरे इंडिया में, तो निश्चित रूप ये शरद यादव जी भी जो जेडीयू को छोड़ने का काम किया था नीतीश जी के अहंकारी रवैये से, और आज हम लोग भी परेशान हैं, एनडीए के सब लोग परेशान हैं नीतीश कुमार जी के अहंकारी रवैये और सुशील मोदी जी के अहंकारी रवैये के कारण। इन दोनों के कारण एनडीए में आज तो टूट की स्थिति हो चुकी है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, अगर काश अगर सुशील मोदी जी अगर सर्टिफिकेट नीतीश जी को नहीं दिए रहते, हर मुद्दे पे उन्होंने सर्टिफिकेट देने का काम किया है, कहते हैं मतलब कल तक जो आप बोल रहे थे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, अब आप खुद अपने मुंह से यहां अजीब यहां झारखंड पर कह रहे हैं कि एनडीए टूट के कगार पर है। निश्चित रूप से जब हम लोग को इज्जत नहीं मिलेगा, हम लोग चाहते हमेशा से बोलते हैं कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहा और मेरे नेता का अपमान किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट देने वाला, क्लीन चिट देने वाला सुशील मोदी होंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग आहित हैं। बिहार की जनता काफी दुखी है और इस बीजेपी को 30 नवंबर का अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं आप संभावनाएं बता दीजिए कि हम साथ हो रहे हैं। संभावना क्या आपको नहीं पता चल रहा है क्या? संभावना जो है ये दोहरा चरित्र क्यों आप 30 नवंबर की बात क्यों रख रहे हैं? दोहरा चरित्र हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी अभी भी करे, और सुशील मोदी जिस तरह ने क्लीन चिट और घुटने टेकने का काम किया नीतीश जी के सामने, बिहार की जनता, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ये दो अहंकारी लोगों के कारण आज एनडीए टूट के कगार पे है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि एनडीए में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लेकिन देखिए छोटे भाई की तो आपने सुनी नहीं, और अब छोटा भाई जो है बगावती हो गया है। देखिए रविंदर जी, ऐसा है कि मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं, वो कह रहे हैं कि 29 तारीख तक हम बात करेंगे, नवल किशोर जी आप अपनी बात रखिए, आप जरा आप बताइए यहाँ पे आपके जो छोटे भाई हैं वो बगावती हो गए हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से माधव जी के जरिए सुनवा दूंगा आपको कि वो कह रहे हैं कि एनडीए टूट की कगार पर पहुंच गई है। जब मैंने कहा कि चार परिवार का एक, चार आदमी का एक परिवार होता है, एक घर में रहता है, तो बगावती होते ही है, बगावत होने से क्या होता है, वो समझौता नहीं होता है। अरे बड़े भाई जब धर्म नहीं निभाएगा, छोटे भाई की पूछ नहीं करेगा, छोटे भाई से उसकी पसंद सबसे पहले नहीं पूछेगा, तो यही होगा। अरे नहीं भाई, वो छोटे भाई नहीं, हमारा एक पार्टनर है, नवल राजनीतिक पार्टनर है, आप इस अंदाज में नहीं कहें कि छोटे भाई है, वो हमारे बराबरी के, जो हमारे साथ रहते हैं हमारे बराबरी। माधव जी आप तो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। नवल जी आपका मैं बहुत आदर करता हूँ, काश आपके तरह समझदारी अगर आपके सुशील मोदी जी को भी होती तो आज एनडीए इस कगार पे नहीं पहुंचता। आप बहुत परिपक्व नेता हैं, आपके जितने भी बयान आते हैं अच्छे बयान आते हैं, लेकिन सुशील मोदी के कारण आज जो है एनडीए टूट के कगार पे है, और नीतीश जी के कारण एनडीए टूट के कगार पे है। सिर्फ एक व्यक्ति, अरे नीतीश जी कहते हैं कि मेरा जीरो टॉलरेंस है, किस पे कर रहे हैं? करप्शन पे है, करप्शन पे सर्टिफिकेट उनको कौन दे रहे हैं? माननीय जो है सुशील मोदी जी दे रहे हैं। क्या पता, सबको पता है कि मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ, सृजन घोटाले में क्या हुआ, सबको पता है, और कहीं ना कहीं जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ठीक है, कहीं आप नवल जी कुछ कहेंगे फिर मैं आगे बिहार का आगे बाकी मेहमानों से बात करूं। नवल जी कुछ आप इस पे कहना चाहें, वाकई क्या हाथ से चीजें निकल गई हैं? देखिए माधव जी, एक बात मैं बताऊं, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह आप रिएक्शन में सुशील मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो एक जगह जैसे आप हर बात बोलते हैं और मैं आपके साथ सहमति व्यक्त करता हूं, उसी तरह नीतीश कुमार भी हमारे एलाई हैं और उनके वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाजमी है। इसको वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान को भूल गए आप, उन्होंने कहा था जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अरे नवल किशोर जी, अच्छा होता कि बीजेपी की तरफ से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते, आप तो एक अनुभवी और अच्छे नेता हैं। अरे माथा काहे पकड़ रहे हैं? सुशील मोदी जी ने तो माथा काहे पकड़ रहे हैं? सुशील मोदी जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया एनडीए का। आप उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, हमको कुछ भी कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, और ये सिर्फ बीजेपी के नुकसानदायक नहीं है, पूरे एनडीए के नुकसानदायक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं, सुशील मोदी उन नेताओं में से हैं जो नहीं चाहते हैं देश हित में मोदी
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सिर्फ अपना संतोष कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी ये बताइए कि आरएलएसपी की आप पर नजर है, ये मौका परस्ती है या फिर कहीं ना कहीं ये जरूरत है इस वक्त की? संतोष कुशवाहा जी देखिए, आदरणीय शरद यादव जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। अरे जी। और दोनों नेता जब एकजुट होने की बात की है, हाँ। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए, मैं आपसे एकजुटता का कारण पूछ रहा हूँ, आज की जरूरत पड़ रही है आपको एकजुट होने की, मौका परस्ती है या फिर क्या है? देखिए मौका परस्ती नहीं है, आज आज आप बता, आप जानते हैं देश के लोकतंत्र खतरे में है, देश में आजादी खाने पर आजादी छीन गई है, बोलने पर आजादी। आरएलएसपी और एलजेडी आपको लगता है दोनों मिलकर मुकाबला कर लेंगे अगर आप एक हो जाते हैं? देखिए हम लोग महागठबंधन में है और अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में है और एनडीए के लोग उनको जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से नीच शब्द का उपेंद्र कुशवाहा को पर प्रयोग किया है उस तरह से। संतोष कुशवाहा मुझे बताइए कि जो संभावनाएं अब नजर आ रही हैं, यहां माधव आनंद जी भी बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि शब्दों में खुलकर बोल रहे हैं, एलजेडी और आरएलएसपी अगर एक होती है तो फिर ये बताइए कि जो निकल कर आएगा एक स्वरूप राजनीतिक दल का, उसका नेता कौन होगा, कुशवाहा जी या फिर शरद यादव जी? देखिए देखिए एलजेडी और आरएलएसपी अगर बिहार में एकजुट होती है तो बहुत मजबूत होगा और महागठबंधन मजबूत बनेगा। और जो नेता कौन होगा इसका, जो जेडीयू है नीतीश कुमार पहला नेता कौन होगा नेता इसका? तो आदरणीय शरद है, उपेंद्र कुशवाहा जी साफ साफ कहे हैं कि देश के अगर कोई सामाजिक न्याय के नेता है तो वह शरद यादव है, जेपी लोहिया के बाद अगर कोई नेता में देश में अगर गिना जाए तो वह शरद यादव। सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो मैं आगे बढ़ लेता हूं। चलिए शक्ति यादव जी मैं आपसे पूछता हूं, शक्ति यादव जी आप ये बताइए कि अभी आप दूसरे के घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस पर तमाशा देख के बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो संभावित आपके घर में आपके कुनबे के बढ़ने से झगड़ा हमको दिखाई दे रहा है, अलग आरएलएसपी और अलग एलजेडी आप पर इतना दबाव नहीं डाल सकती, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर आपके ऊपर दबाव डालने लगेंगे ये लोग, ज्यादा सीटों की डिमांड होगी, फिर अपने घर का झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? ये खतरा है आप लोगों के लिए अगर एकजुट होते हैं तो। रविंदर जी महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि पूरी जो आज की आपकी डिबेट है उसमें अहंकार जो का जो केंद्र है वो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है और उनके अहंकारपन के कारण ये सारे एनडीए के अंदर में भूचाल की स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरे सवाल इसमें साफ साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी 3 लोकसभा सदस्य जीत कर करके गए हैं, 3 सदस्य जीत के गए हैं एनडीए के घटक दल के रूप में और दो सीट वाले को, दो सांसद वाले को आप 17 दे रहे हो और 3 वाले को आप कर रहे हो बाहर चले जाओ, तो ये अहंकार है। 2014 में जो अहंकार आया था ठीक है नीतीश जी को, तो मिटिया मिट हो गए थे, 2 चले गए थे, फिर एक बार अहंकार आया तो अहंकार के बाद जो स्थिति, अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो आरएलएसपी अलग जाना चाह रही है ना, ये विश्लेषण की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग जा रहे हैं, आप आगे की सोच रहे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति, मैं सवाल कर रहा हूँ रविंदर जी पहले पूरी बात को समझनी पड़ेगी, आप पूरी डिबेट करवा रहे हैं, हम बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। देखिए आज की जो बिहार की जो हालात है और देश की हालात है, स्पष्ट तौर पर ये मान चुके देश की जनता ने वर्तमान हुकूमत के खिलाफ मन बनाया है और इन मन जब एक बार जब जनता बनाती है तो उसको कुछ सुनता नहीं है, लाख भी किसी प्रकार का आप चढ़ाए लेप उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जनता सजग होती है और निर्णय लेती है तो निर्णय पर बिल्कुल खड़ी उतरती है। दूसरी बात हमारे जो साथी ने कहा कि निश्चित तौर पर जो उपेंद्र कुशवाहा जी की तो लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, आखिर एक व्यक्ति के अहंकार ने इनको जिल्लत किया गया, नीच शब्द कहा गया, एक डीएनए के सवाल पर अब पूरे देश में बवेला मचाया, नाखून बाल कटवा करके सैंपल भेज दिया, ठीक है, ठीक बाद में मैच कर गया, दोनों मैच कर गए। मौका प्रस्ती शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो मौका प्रस्त अगर जदयू से बड़ा और नीतीश जी से बड़ा कौन मौका प्रस्त है भाई? क्या आपने जनता से वोट लिया महागठबंधन के नाम पर और चले गए बीजेपी में, तो आप मौका प्रस्त हैं या कोई और मौका प्रस्त? अच्छा माधव आनंद एक बात बताइए, माधव आनंद जी एक बात बताइए कि आपको न्योता दिया गया था आरजेडी की तरफ से कि आप महागठबंधन में बताइए, आप आरजेडी में विलय कर लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां
एलजेडी में क्यों, एलजेडी के साथ जाने में क्यों लग रही है? बात सब कहां से आ गई कि विलय की बात है? अरे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक एक स्थापित पार्टी है, उसमें विलय की तो कोई बात ही नहीं है। पता नहीं कहां से कौन मीडिया चैनल, आरजेडी ने कहा था, ये आरजेडी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये, आरजेडी ने कहा था आइए विलय कर लीजिए आप। मैं रविंद्र जी बता दूंगा, महागठबंधन की एक चीज के लिए मैं प्रशंसा करूंगा कि उसने जो दरिया दिली दिखाने का काम किया है। हाँ। आप देख लीजिए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, हाँ। चाहे शक्ति यादव जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, सबने बोला है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं तो हम लोग रेड कार्पेट के स्वागत करने का काम करेंगे, और हम लोग के यहाँ सीट का कोई इशू नहीं है। यहाँ तो बीजेपी और जेडीयू कहती है कि 50-50 हम, बाकी सब अलग। अरे सीट का इशू नहीं है, सीट का इशू नहीं है तो तीन सीटों से कम पे हम मंजूर नहीं होगा, ये क्या है फिर? राजेश राठौर प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आप भी बता दीजिए कि अगर जो संभावित अभी नजर आ रहा है बिहार में गठजोड़ और समीकरण, उसमें महागठबंधन में एलजेडी और आरएलएसपी मिलकर आए साथ में या फिर अलग अलग साथ में आए, आपके हिस्से की रोटी वो खाएंगे, आपकी पूछ कम होगी महागठबंधन में, इस कष्ट की तैयारी, इस कष्ट से निपटने की तैयारी क्या है आपकी? या शरद यादव जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मदन मोहन झा जी हो, इन सब का उद्देश्य एक ही है जो जनता का उद्देश्य है कि जन विरोधी सरकार को हटा देना है। इसमें रोटी खाना कहाँ है, जनता की सेवा करना है, जिनके हिस्से में जितने सीटें जाएंगे हम सब तो चुनाव तो लड़ेंगे ना, पहले करेंगे एनडीए को हटाने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, टिकट लेना पड़ेगा। आज भी हम 12 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, इस बार कितने पे लड़ेंगे? अरे साथी बढ़ता है तो सीट घटता है, इसमें चिंता कहां विषय है, सीट के लिए कहां मारामारी हो रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारा स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं, कुछ सीखिए माधव जी, देखिए वो कह रहे हैं साथी बढ़ता है तो सीट घटता है, आप जो है यहां पे साथी बढ़ने पे सीट साथी घटने के कारण छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे अहंकारी साथी जो कैबिनेट में जो है वो पार्टी को जो है नेतृत्व दे दे और मुझे अलग करे, वैसे अहंकारी नवल किशोर ये बड़ा दिल आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? नवल किशोर ये बड़ा दिल आपका गठबंधन क्यों नहीं दिखा रहा? बीजेपी क्यों नहीं दिखा रही? जेडीयू क्यों नहीं दिखा रही? नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, हर नवल किशोर हर मोर्चे पे बिहार, और बिहार की जनता नीतीश जी को सबक सिखाने का काम करेगी। समय पे आपको पता चलेगा कि हम सब साथी कितने कितने सीटों नवल किशोर ये बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया जा रहा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से? नहीं है, जीत प्राथमिकता है। आप पहले रोकिए तब ना, आप जवाब लीजिए तब ना। अरे आपने बोलना शुरू किया, वो रुक गए, आप बोलिए ना, बोलिए आप, आपको क्या रोक सकता है बोलने से? ऐसा है माधव आनंद जी, आप तो कई देशों का एक दिन कह रहे थे, यात्रा किए हैं, लगता है आप देश को के बाहर ही ज्यादा यात्रा किए हैं, बिहार का यात्रा नहीं किए हैं। आपको नीतीश कुमार से दुश्मनी हो सकती है, हमको दुश्मनी हो सकता है, लेकिन यह कहना कि बिहार में कुछ, बिहार में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, बिहार का एक भी चीफ मिनिस्टर आजादी के बाद से, बिहार की तो क्या स्थिति है, यहाँ लोगों का पलायन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई मुझे सबूत बता दीजिए, रोजगार और बिहार की जनता हमको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। नवल जी आप जो है सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करें, नीतीश जी वही नीतीश जी बोले थे मिट्टी पे मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वही नीतीश कुमार डीएनए पे प्राइम मिनिस्टर को गाली देने का काम किया, और आज आप उसी के साथ सत्ता में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि सुशील मोदी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, और आपकी पार्टी और सुशील मोदी जी नतमस्तक हो चुके हैं जेडीयू के सामने और नीतीश जी के सामने, बिहार की जनता नीतीश सरकारी आदमी। ठीक है, एक माधव जी, नवल जी एक मिनट, अरे यही नीतीश कुमार जो क्या हत्यारा बोले हुए हैं, यही नीतीश कुमार जी हत्यारा बोले हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं नवल किशोर जी, आप सहयोगी हैं, आपको हत्यारा बोलता है, आप उसके साथ सत्ता में बैठे हैं। नवल किशोर जी, माधव जी, आप दोनों सहयोगी हैं, आप दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। अरे मित्र रहे देंगे तब ना, शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, दो दोस्त ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा है इनको देख के? अब शक्ति यादव जी, यागाज समझ में नहीं आता, चार वर्षों में पूरे देश को बर्बाद किया, समझ में नहीं आ रहा? अरे शक्ति यादव जी, आप भी जरा समझ लीजिए ना, आप अपने घर को कैसे बचाएंगे अगर यही स्थिति रही तो, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मोर की डिमांड कर रहा है।
हर किसी को ज्यादा चाहिए। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। हाँ, जो व्यक्ति इन्होंने कहा कि नीतीश जी काम के बता रहे हैं, आजादी के बाद 36 घोटाला कौन किया बिहार में भाई, 2000 करोड़ घोटाला करके ईमानदार बन गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कर दिया सुशील मोदी जी जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करवा लिया अपने पुरखों से, अपने पूरे संघ संबंधियों से। अरे हम पूछते हैं आप लालू यादव, अरे राजा बता रहे हैं ऐसा कोई नहीं हुआ, एक व्यक्ति नहीं हुआ जो 36 घोटाला किस तेल में हो के अंदर। संतोष कुशवाहा, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ क्योंकि मेरी डिबेट का टाइम खत्म हो गया है। संतोष कुशवाहा जी जरा ये जवाब दीजिए कि RLSP और LJD एकजुट होते हैं, एक साथ अगर आते हैं, इसके बाद एक संतोष कुशवाहा लास्ट कमेंट आप दे दीजिए, LJD और LSP अगर आप साथ आते हैं तो क्या आपको लगता है कि और भी क्षेत्रीय दलों को आप साथ में मिलाएंगे या फिर RJD के साथ आप मिल जाएंगे? जो लोग संतोष कुशवाहा विश्वास नहीं रखते हैं, देखिए सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले जब एकजुट हो गए तो जो लोकतंत्र को तोड़ने में लगे हैं वो विश्वास नहीं रखते हैं लोकतंत्र में। जो भाईचारा बिगाड़ कर मंदिर मस्जिद बिल्कुल एक लास्ट कमेंट आपसे एक मिनट। नवल किशोर जी अरे जवाब दीजिए ना नवल किशोर जी, बताइए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आखिरी में, एक मिनट नवल किशोर जी, आखिरी में कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आप और JDU ही अकेली रह जाए, क्योंकि आज LJP ने, चिराग पासवान ने भी कह दिया कि भाई जल्दी जल्दी सीटों का फैसला कर लीजिए। आज तो चिराग यादव ने भी आप दिखा दी, उन्होंने भी कह दिया कि जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप लोग दोनों अकेले पड़ जाए और समूचा विपक्ष आपके खिलाफ पड़ जाए। बताइए नीतीश कुमार ही जर में है जो नहीं चाहते हैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इनके अहंकार बिहार बर्बाद करने का काम किया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, आपका शुक्रिया संतोष कुशवाहा जी, धन्यवाद राजेश जी, आपका शुक्रिया शक्ति यादव जी, आपका शुक्रिया और माधव आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है और साथ ही साथ राजनीति में कभी भी कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता है, और ये कहावतें, ये मुहावरे, ये लोकोक्तियां लगातार चरितार्थ हो रही हैं, सही साबित हो रही हैं, और आगे आगे देखिए इसमें और भी बल मिलेगा और इस तरह के उदाहरण और भी सामने आएंगे। RLSP और LJD की राह एक होती है, इसके अलावा इनके रास्ते में कौन जुड़ता है ये लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही।